लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं, छुट्टी भी नहीं कर रहे गुड मॉर्निंग ऑडियंस, यू आर वॉचिंग योर डेली तस्की न्यूज 24/7 और इस वक्त ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो जीएमसी के बाहर से मैं डेंटल स्टूडेंट्स जितने भी हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत होगी और एक ही डिमांड की जा रही है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही बच्चे क्यों भाग रहे हैं, कोई कैमरा फेस नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इन्हीं बच्चों की तरफ से जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम्स जो है वो होने चाहिए। लेकिन यहाँ से सब निकल रहे हैं तो बात करने की कोशिश करूँगा एक एक बच्चे से कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा कदम ऐसा है जिसको लेकर बच्चे इस चीज़ के खिलाफ हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो होना चाहिए और ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है वो नहीं दिया जाएगा। फिलहाल काफ़ी सारे बच्चे थे लेकिन मौके की नज़ाकत को देखकर सारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। ये सामने तस्वीरों में देखें आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, सामने तस्वीरें देखें, बच्चे प्रोटेस्ट करने आए थे, इतना जाने क्यों जा रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही है। किसी बच्चे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि आखिरकार प्रोटेस्ट करने के लिए तो आए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए डिमांड की जा रही थी, बट अभी यहाँ से जा रहे हैं बच्चे सारे। आप देख सकते हैं लाइव एक्सक्लूसिव में, आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म से। कैमरे पे नहीं ऐसे बता दो। ये देखें बच्चे प्रोटेस्ट करने आए थे और कैमरा देखते ही बच्चे फरार हो गए, भाग गए। सामने तस्वीरों में देखें कोई बात ही नहीं करना चाहता, कैमरा ही नहीं फेस करना चाहता। ये डेंटल स्टूडेंट्स हैं हमारे जीएमसी जम्मू के, ये बच्चे हैं हमारे फ्यूचर के डॉक्टर हैं जो यहाँ पे इस डिमांड के लिए आए थे कि उनके ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए, बट कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। सामने देखें तस्वीरों में ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये जीएमसी के बाहर की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लाइव एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ। बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे, डिमांड थी बच्चों की कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए, लेकिन कैमरा फेस नहीं किया और मौके की नज़ाकत को देखकर यहाँ से निकलते बने बच्चे। जानने की कोशिश करूँगा बच्चों से ही कि आखिरकार क्या जो एग्ज़ाम है किस तरीके के पेपर होने चाहिए और क्या डिमांड है। सर हमारे पेपर जो हैं शेड्यूल हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन होने के कारण हमारा सेंटर जीएमसी जम्मू बना दिया गया। अब आज जब हम वहाँ पर एग्ज़ाम देने आए हैं तो हमें बोल रहे हैं कि आज हम आपका एग्ज़ाम नहीं लेंगे, हमें कोई रीज़न भी नहीं बताया जा रहा है। और अब शायद हमारा एग्ज़ाम जो है वो परसों हो, और हो सकता है हम परसों भी जब देने आए तो यही हाल रहे। तो हमारी यही डिमांड है, या तो ऑनलाइन एग्जाम्स ले लो या मास प्रमोशन ले लो। बहुत शुक्रिया। वेल फाइनली मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और भी हैं बात करने के लिए। एक्सक्यूज मी, क्या कहना है आपका, क्या पेपर जो आपके हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए? हाँ सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन लिए जाएं, क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। ऑलरेडी हमें 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल से ऊपर हो रहा है ऑलरेडी हमें फर्स्ट ईयर में, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट प्रॉफ हमारा 1 साल में कम्प्लीट होना था, जो हमारा सितंबर में ख़त्म होना चाहिए था वो हमारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इन्होंने हमें एग्जामिनेशन लेके फ्री नहीं किया, ठीक है। ऊपर से हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी में सेंटर बनता था एग्जामिनेशन का, उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी के 52+ लड़कियाँ पॉजिटिव आती हैं उनकी हॉस्टल की, एंड वहाँ का 60+ उनका जो स्टाफ मेम्बर्स हैं वो सारे पॉजिटिव आते हैं। तो उन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी क्लोज कर दी। वहाँ एमकॉम के पेपर होने वाले थे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के भी पेपर होने वाले थे, उन्होंने उनके ऑनलाइन कर दिए। एंड आरों के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वो हमें कह रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में जाके पूछिए, यूनिवर्सिटी में जाके जब एप्लीकेशन देते हैं तो वो कुछ नहीं कर रहा है। क्या आपने ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह के लिए जो आप कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दी थी? हाँ सर, हमारी सारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, उसका भी आपको पता है एज़ यूजुअल कोई बेनिफिट तो है नहीं, ठीक है। इन्होंने उसके बाद हमें कहा जब इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस हमारी ली तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते, ऑफलाइन मोड पे क्यों कर रहे हैं? क्या पूछा आपने जब इनका? जब हमने इनसे पूछा, एक तो इन्होंने हमारे जो इंटरनल एग्जामिनेशन लिए थे वो भी हमारे ऑनलाइन हो चुके थे नवंबर में, ठीक है। फिर भी जब कॉलेज खुले, जब कोविड थोड़ा कम हुआ तो इन्होंने कॉलेज बुला के इन्होंने कहा कि नहीं हम ऑफलाइन मोड में फिर से लेंगे एग्जामिनेशन। लगभग आप ये बताएंगे इस वक्त आपके बैच में कितने बच्चे होंगे, कितने डेंटल बच्चे? 98 बच्चे हमारे, हाँ मेरे पास एग्जाम देने के लिए यहाँ पे 150 बच्चे हैं, क्योंकि आधे इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ हैं, सबको इन्होंने यहाँ बुलाया पेपर देने के लिए। अभी कोई रिस्पांस मिला? तो कुछ रिस्पांस नहीं मिला, इन्होंने डायरेक्ट हमें कहा कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, एंड उसके बाद हमें नोटिफिकेशन आता है अभी कॉलेज से कि आपका जो लास्ट पेपर बचा है 17th वाला वो आपको यहाँ के देना है। अब वो हम देने आएंगे, वो भी यहाँ पे आके कैंसिल कर देंगे, तो हम पागल तो है नहीं सर कि एक तो कोविड का हॉटस्पॉट है ये, यहाँ पे नीचे कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, साइड में रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है, ऊपर हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, हम पागल तो नहीं यहाँ के पेपर देंगे इनके बीच में खड़े होकर, ऊपर से यहाँ बुला के कैंसिल कर रहे हैं। मतलब बच्चा बाहर आया हुआ है पेपर देने, यहाँ पे उसको कोविड नहीं हो जाएगा आके?
ऊपर से पेपर भी नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। किन वजहों पे जो है वो कैंसिल किया जा रहा है? सर कोविड की गाइडलाइंस में भी कह रहे हैं कि कोविड की वजह से हम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पीछे से ऑर्डर आ रहा है। भाई हमको तो बताओ नहीं यूनिवर्सिटी से क्या ऑर्डर आ रहा है, आप बच्चों को डायरेक्ट ऐसे ही भेज रहे हैं कॉलेज में कि यहाँ के पेपर दे दो क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरुषि है सर। मेरे साथ एक स्टूडेंट थी जो डेंटल डिपार्टमेंट यानी कि मेडिकल फील्ड के उस महकमे से जुड़ी हैं जिसका नाम डेंटल है, और कहीं ना कहीं अब ये जो बच्चे हैं इनकी जो मांग है वो है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जो तरफ से जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किए जाने चाहिए। सामने तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा, सामने तस्वीरों में देखें, कैमरा फोकस करें, कैमरा क्लोज़ करें, एक बार क्लोज़ करके दिखाएँ, नज़दीक से शॉट मारने की कोशिश करें, तमाम बच्चे हैं नज़दीक से और शॉट मारें, पास से कोशिश करें दिखाने की। ये तमाम बच्चे जो हैं ये डेंटल हमारे फ्यूचर के डेंटल डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्यूचर के तमाम डेंटल डॉक्टर्स हमारे एक लाइन में खड़े हैं, और ये जितने भी फ्यूचर के डेंटल डॉक्टर हमारे हैं इनकी डिमांड है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए। ये बात नहीं कर पा रहे हैं, शायद कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हम ऑफलाइन देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। पिछले एक साल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस की हैं तो हम ऑफलाइन कैसे पेपर दे सकते हैं? तो ये फ्यूचर के तमाम डॉक्टर जो हैं ये इस वक्त एक लाइन में खड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे एक अपील कर रहे हैं कि जम्मू मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो आला हुकाम अफसरान हैं उनकी तरफ से वो कदम लेने चाहिए जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को जो है वो ज़्यादा परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े। एक तरफ कोविड की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अगर सेम हम बात करेंगे तो इन बच्चों के भी डिमांड्स जो हैं वो सेम हैं, और इनका भी यही कहना है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वक्ती तौर जो है वो इनके इम्तहान जो हैं वो मुलतवी कर दिए जाएँ, और मुलतवी करने के बाद अब अगर इनके जो इम्तहान होंगे यानी कि वो इनका कहना है कि ऑनलाइन होने चाहिए, और इनका ये भी कहना है कि ये एक हॉटस्पॉट सा बन चुका है कोविड के लिए जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल फ्यूचर के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे रोडों पे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे फ्यूचर के जो डॉक्टर्स हैं इनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, लेकिन फ़िलहाल बड़ा दुख हो रहा है ये कहने में कि तमाम फ्यूचर के डॉक्टर साहिबान जो हैं वो रोडों पर खड़े हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार कि ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। शायद जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन जो वो मेहरबानी कर ले और इन लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कर ले, वरना हमारे फ्यूचर के डॉक्टर साहिबान जो रोडों पे खड़े हैं शायद इनको रोडों पे ही खड़ा रहना पड़ जाएगा। तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी आमिर सुल खान के साथ डेली तस्कीन पे जम्मू मेडिकल कॉलेज से।